अतिक्रमण प्रभारी अधिकारी नगर निगम बरेली बृहस्पतिवार 28 दिसंबर 2023 को कुमार टॉकी से घंटाघर तक नगर निगम अधिकारी एवं मंडल आयुक्त तथा पुलिस महानिरीक्षक बरेली के निरीक्षण के दौरान मांगी गई पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर की सूची। इस प्रार्थना पत्र के साथ पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर कुमार टॉकीज दस्तावेज संलग्न है, इन्हें चेक करके हम कुमार टॉकीज पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। जब तक कि कुमार टॉकीज को वेंडीज जोन नहीं बनाया जा रहा है या पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर को वेंडीज जोन में जगह नहीं दी जा रही है तथा हम कोई स्मार्ट आई 0D0 या अनुमति प्रदान की जाए जिससे कि हम पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर नगर निगम की अतिक्रमण टीम अधिकारी को दिखा सके तथा अचानक हटाने से बच सके, जैसे कि जिला अस्पताल पर दोनों साइड से लगने वाली फड़ को प्रदान की गई है। इस कार्य के लिए हम सनी स्ट्रीट वेंडर आपके आजीवन आभारी रहेंगे। पंजीकृत स्ट्रीट वेंडर सेंतको अहमद मो 0 यूसुफ मो अपर शिवम देवल मो 0 सुबहते मो 0 सुबहार बरेली से कविता सिंह की रिपोर्ट। मैं आपका मेरा नाम सुनील तकी अहमद है। आज यहाँ आप नगर निगम कार्यालय पे आए हुए हैं, क्या मामला है ये? हमारा मामला ये है कि हम नगर निगम कार्यालय पे इसलिए आए हुए हैं ताकि जो है हमें जो हम रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर हैं, जब अतिक्रमण की टीम जाती है तो हमें कोई ऐसा आईडी कार्ड या हमें कोई परमिशन ऐसी दे दी जाए जिससे कि हम वहाँ पर हमें भागना ना पड़े। भगदड़ में हमारा सामान गिरता है, हमारा नुकसान होता है जब तक कि पॉइंट टारगेट को वेंडिंग जोन नहीं बनाया जा रहा है या जो जहाँ पर वेंडिंग जोन है वहाँ पर जितने भी स्ट्रीट वेंडर हैं, चाहे वो पटरी वाले हों चाहे वो दूसरी जगह काम कर रहे हैं, उन सबको एक जगह जगह दी जाए। ऐसा ना हो कि पाश्चात्य की जाए कि वो जो कमाए जो मतलब जो पटरी लगती है जिला अस्पताल के पास, वो लोग नगर निगम की अतिक्रमण टीम आती है तो वो विधिवत काम करते हैं और हमें हटा दिया जाता है। हम नहीं चाहते कि उन्हें हटाया जाए, जब तो वो विधिवत काम कर रहे हैं, वो रजिस्टर्ड हैं, क्योंकि जो है वो व्यापारियों के द्वारा सब उनके नौकर हैं और उनका माल बिक रहा है। हम ठेले वाले गरीब हैं और हमारा जो है ये कहना है कि सभी के साथ न्याय का व्यवहार किया जाए, सभी रजिस्टर्ड हैं, उनको काम करने के लिए परमिशन दी जाए, आईडी कार्ड दे दिया जाए जब तक वेंडिंग जोन में नहीं भेजा जा रहा है। तो आज किससे मिले आप? आज हमने अपर नगर आयुक्त साहब से ये दी थी। तो क्या कहा साहब ने? मेरी परवारी ललित कुमार सक्सेना जी को रिमार्क किया है और उन्होंने मतलब जो है जांच की मांग के लिए कहा, ठीक है उन्हें न्यायपूर्वक जांच कराई जाए और जो रजिस्टर्ड स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाए। ठीक है, आप बताओ भैया क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ है। तो क्या कहना चाहेंगे आप, जो जो परेशानी हो रही है रेलमाल के चक्कर में ही आया था इनके साथ में, मतलब इसी उससे ही लेकर ये मुझे लेकर आए थे, मेरे भाई है, मैंने भी उनसे कहा था इसी बारे में कि ये काम हमारा भी होना चाहिए। आप भी लगाते हुए थे? जी मैं भी वहीं पर ही लगाता हूँ। कितने ऐसे लोग हैं जो वहाँ पर लगाते हैं? ऐसे तो बहुत सारे लोग आ गए जब से ये पुल बना है, सब जने कहाँ से लोग आके लगाने लगे हैं, लेकिन उसमें हमें कोई भी वो नहीं है, वो सब लोग लगाए, हमारा कोई वो नहीं है उनसे। नहीं जैसे वहाँ पर कोई जिला अस्पताल भी है, वहाँ से एम्बुलेंस भी निकलती है तो जाम भी हो जाती है। हाँ, तो थोड़ा सा देखिए जो जिला अस्पताल है वहाँ पर जगह बहुत कम है, लेकिन वो लोग बैठे हुए हैं आराम से, हमारे भाई काम कर रहे हैं, तो हमें उनसे कोई आपत्ति नहीं कि उन्हें हटाया जाए, ठीक है वो विधिवत काम करें, वो भी स्ट्रीट वेंडर हैं, लेकिन जहाँ पर हम काम कर रहे हैं कुमार टॉकीज के पास वो काफ़ी चौड़ा चौराहा है, वहाँ से आराम से मतलब जिला अस्पताल की जो मतलब वैन है वो निकल सकती है और हम भीड़ में नहीं लगाते हैं ना ही हम कोई अतिक्रमण करते हैं। लिहाजा हमारा मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से अनुरोध है कि फेरी नीति के अंतर्गत हमें कोई ऐसा स्मार्ट आईडी कार्ड या परमिशन प्रदान कर दी जाए जब तक कि हमें वेंडिंग जोन में अपडेट नहीं किया जा रहा है। हम सभी स्ट्रीट वेंडरों को ऐसा ना किया जाए कि केवल हम 6 को उठाकर कहीं और भेज दिया जाए और पूरा बाजार यहाँ लगे, ये बात न्याय की नहीं होगी। न्याय की मांग कर रहा हूँ, न्याय किया जाए।